दोस्तों आप देखेंगे मेरे पास एक इमेज है जो कि काफी डार्क इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको हमने फोटोशॉप 7.0 में इस तरीके से तैयार किया है, देख सकते हो आप। अभी की ये है और ओरिजिनल फोटो ये है। तो फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही इजीली तरीके से हम अपनी डार्क फोटो को गोरा कर सकते हैं और समूथनाइज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज की वीडियो में यही सीखेंगे, बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमें डार्क फोटो को गोरा और समूथनाइज बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी फोटो को ओपन कर लेना फोटोशॉप में, और ओपन करने के बाद इसकी एक कॉपी करनी है आपको अपनी जो भी फोटो आपकी। देखिए मेरे पास ये एक फोटो है नेचुरल जो कि थोड़ी ब्लैक सी है, इसको हम गोरा और चिकना करेंगे इस वीडियो में। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक कॉपी करनी है इसकी, यहाँ पे लेयर पे आके और यहाँ से माउस से पकड़ के यहाँ प्ले के निशान पे ला के छोड़ देना, या कंट्रोल जे से भी कॉपी कर सकते। कंट्रोल जे से कॉपी करोगे तो साथ में लॉक लगाएगा और ऐसे करोगे तो लॉक नहीं लगेगा। अब देखिए दोस्तों करना क्या, हमें यहाँ से नीचे एक फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये फोल्डर आ चुका है यहाँ पे। और ऊपर वाली फोटो को हम इस सेट के अंदर रखेंगे। अब ये सेट के अंदर आ चुकी है ये फोटो। और देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके यहाँ से सॉलिड कलर पे आएंगे, और यहाँ से हमें कुछ इस तरह का कलर चाहिए जिसमें येल्लोपन सा व्हाइटपन सा दोनों मिक्स हो। जैसे ये कलर है, इसमें येल्लो व्हाइट दोनों मिक्स है, तो यहाँ पे हमें ओके कर देना है। तो ये करके ओके कर देना है और कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी नेचुरल फोटो फिर से दिखाई देने लग जाएगी। और ब्रश टूल लेंगे, इसके बाद ब्रश टूल लेके ओपेसिटी को और फ्लो को 100 पे कर लेंगे, और इसको ब्रश को यहाँ से समूथ रखेंगे। और कलर को आपको वाइट को ऊपर ब्लैक को नीचे रखना है। और फिर हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए जितना भी स्किन एरिया है ना उसको हमें इस तरह से पेंट कर लेना है ब्रश की सहायता से। जो स्किन एरिया है उसको ही पेंट करना है, बाकी एरिया को छोड़ देना है। इस तरह से पेंट कर लेंगे एक बार, मैं एक बार पहले पेंट करके दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमें ब्रश की सहायता से पेंट कर लेना स्किन एरिया को। आप देख सकते हैं मैंने ये पेंट कर लिया स्किन एरिया को। अब इसके बाद यहाँ पे लेयर पे आके या नॉर्मल की जगह यहाँ से हमें सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों अभी की इमेज हमारी ये है और पहले वाली इमेज हमारी ये है। अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है, अभी परफेक्ट हुआ नहीं है ये। अगर आपको और भी गोरा चाहिए तो आपको करना क्या है, इसकी एक कॉपी कर लेनी है। कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, देखिए इस तरह से कॉपी हो जाएगी। जितनी कॉपी करते जाएंगे उतनी लाइट होती जाएगी, उतनी लाइट होती चली जाएगी। तो दोस्तों ये इस फोटो में देखिए कॉपी हो चुकी है, ये गोरा हो चुका है यहाँ पे। और अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ से हमें इरेजर टूल लेना है। इरेजर टूल लेके दोस्तों और यहाँ से हमें साइज को सॉफ्ट रखना है, देखिए सॉफ्ट रखेंगे। और जो कलर हमारे इस पे आइज पे इन पे आ चुका है उसको हमें यहाँ से देखिए ओपेसिटी को कम रखेंगे इसमें, फ्लो को भी, और इस प्रकार से उसे इरेज कर देना है। देखिए इस तरह से हमें उसको इरेज कर देना है जो हमने कलर अभी फील किया था, इस तरह से आइज से इनसे इरेज कर देना है। इसी तरह से दूसरी आइज में भी हमें उस कलर को इरेज कर देना है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे नेचुरल टिश में अब परफेक्टली दिखाई दे रही है, यहाँ से देखिए इस प्रकार से। और मान लीजिए आपको लिप्स आपको कलर करने हैं तो आपको करना क्या होगा, देखिए या ओरिजिनल फोटो को सेलेक्ट करेंगे इसको, और फिर से एडजस्टमेंट लेयर पे आएंगे, सॉलिड कलर, जैसे मैं इसमें रेड कलर डालता हूँ, और ओके करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे, और ब्रश टूल लेके फिर से
और लिप्स कलर इस प्रकार से तैयार करेंगे। ये तैयार करने के बाद नॉर्मल पे आके यहाँ से सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिप्स कलर भी यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह से हम लिप्स कलर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और आपको ज़्यादा लाइट करना हो तो इनकी कॉपी करते चले जाना, लाइट होता चला जाएगा। और देखिए इसके बाद मान लीजिए आपको कलर करने हैं तो करना क्या है, जैसे मैंने ये येलो कलर डाला था इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ एडजस्टमेंट पे आके यहाँ से देखिए हमें कलर सेट करने होते हैं। तो यहाँ से कलर सेट करने के लिए यहाँ से कलर बैलेंस पे आएंगे और देखिए जैसे येलो टोन ज़्यादा लग रही है तो इस तरफ हम कलर करेंगे। देखिए इस तरह से हम कलर सेट कर सकते हैं फिर से दोबारा, जो भी टोन कलर की देना चाहे वो कलर यहाँ पे इस प्रकार से दे सकते हैं और फिर ओके कर देंगे। इस तरह से हम अपनी फ़ोटो को तो गोरा कर सकते हैं ईजिली तरीके से। और इसके बाद दोस्तों देखिए फ़ोटो को हमें स्मूथ बनाना होता है, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमें अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना फाइल में जाके, और सेव एज पे जाएंगे और कहीं पे भी आप अपनी इमेज को सेव करेंगे। देखिए स्मूथ बनाने के लिए अब करना क्या है, इस फोटो को सेलेक्ट करके नीचे बैकग्राउंड को और ये सेट हमारा, इसको बंद कर लेंगे। और दोस्तों बंद करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ई प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसके बाद हमें देखिए यहाँ फिल्टर पे आके यहाँ से नॉइज़ पे आएंगे, यहाँ जेपीजी क्लिनिक पे आएंगे और आप यहाँ पे इमेज के अकॉर्डिंग स्मूथनेस बना रखेंगे। 10 का चाहिए आपको, 20 का चाहिए, 30 का चाहिए, मान लीजिए मैं 30 का रख लेता हूँ और ओके करेंगे। तो आप देखिए फोटो पे हमारी पे स्मूथनेस फिल्टर लग चुका है, फोटो हमारी स्मूथ भी हो चुकी है। थोड़ा इसको ब्राइटनेस कर लेंगे इस प्रकार से, फिल्टर लगने के बाद थोड़ी आपको ब्लर दिखाई देगी तो यहाँ से ब्राइटनेस पे आके और कंट्रास्ट यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ब्राइटनेस इस तरह से और ओके कर देंगे। अब मैं आपके इसकी पहले की और बाद में भी अगर आपको थोड़ा डार्क लगे फोटो तो कंट्रोल एम करके और कर्व्स ओपन हो जाएगा, इस तरह से लाइट कर सकते हो आप, ओके करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी फ़ोटो नेचुरल है और गोरा भी हो चुकी है और स्मूथ भी हो चुकी है। मैं इसकी एक पहले वाली ओरिजिनल कॉपी दिखाता हूँ आपको एक बार। तो देखिए दोस्तों अब हमारी फ़ोटो परफेक्टली तरीके से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने अपनी फ़ोटो को गोरा किया है और इसको स्मूथनेस बनाया है। आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा हमने कोई छेड़खानी भी नहीं की है। अगर थोड़े बहुत पिंपल्स वगैरह आपको दिखाई दे तो यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल लेके और ऑल्ट दबा के कोई भी कलर उठाएंगे नियर बाई का और इस तरह से पिंपल्स भी हम हटा सकते हैं थोड़े बहुत। अगर अब आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर हो चुकी है। इसकी ओरिजिनल फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली इसकी ओरिजिनल फ़ोटो आप देख सकते हो, ये वाली इसकी अभी की फ़ोटो है जो हमने फोटोशॉप में एडिट करके इसको तैयार किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने फोटोशॉप 7.0 में काले को गोरा बना सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, आसानी से, और उसे स्मूथनेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।